जो यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग हो रही है ऑफिस के अंदर, तो इस हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। ये कन्वेंशन है आज हमारे सीनियर लेवल साथियों का, और जिसमें आज के हालात के बारे में गुफ्तगु होगी, और साथ ही साथ जो मामलात हैं जुड़े हुए कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, उन पर भी आपस में तबादले ख्याल होगा। और ये कन्वेंशन उन हालात में हो रहा है जबकि पार्लिमानी चुनाव होने जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर उस सवाल को लेकर भी चर्चा होगी। ये हमारे साथी हैं, अपनी राय बताएंगे क्या कुछ करना है। और अभी तक यही राय है हमारी, जो अभी हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया मुल्क की सतह पर, उसमें हमने ये बताया कि आज जो अहम मुद्दा है इलेक्टोरेट के सामने पूरे मुल्क में, वो होना चाहिए कि जमहूरियत को बचाया जाए। व्हाट इज़ एट स्टेक, आज जो खतरात मंडला रहे हैं वो मामूली नबीयत के नहीं, वो जो प्रीम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल, उस पर आँच आ रही है बीजेपी की तरफ से, इस सरकार की तरफ से। और इसी वजह से वोटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए वोट डालें, वोटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जमहूरियत के बका के लिए वोट डालें, वोटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क में जो सेकुलर रिवायात हैं, फाउंडेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, भाईचारे की, उनको बचाया जाए। और इसके अलावा जो रोज़गार का सवाल है, और आज वोटर्स की तरफ से ये आवाज़ उठनी चाहिए, हमें जुमले नहीं चाहिए, जुमले नहीं चाहिए, वादे नहीं चाहिए और वो भी झूठे, तकरीरें नहीं चाहिए, हमें हिसाब चाहिए। जो 2014 में कहा गया नौजवानों के बारे में, उसका हिसाब चाहिए। जो कहा गया किसानों के बारे में कि उनके कर्जात माफ़ कर लेंगे, उनके फसल की वाजिब कीमत मिलेगी, ये जो वादे किए गए थे। और फिर सबसे अहम मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में, वो ये मुद्दा है जो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ किया गया, शब खून मारा गया, हमारे बुनियादी हकूक पर असाल्ट हुआ, हमारा जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, उसको भी ख़त्म किया गया, और वो भी हमें पूछे बिना, जो हमें महाराजा हरि सिंह से लेकर आज तक ज़मीन के बारे में राइट्स मिले थे, जॉब के बारे में राइट्स मिले थे, परमानेंट रेजिडेंसी का हक मिला था, उसे भी छीना गया, ये हमें मंजूर नहीं। हमारी अपील है जम्मू से, जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से, आज जब आप वोट डालेंगे, इन मुद्दों को सामने रख कर ही कर लें। कौन वकालत कर सकता है उस नाइंसाफ़ी का खात्मा करने के लिए जो 5 अगस्त को रवा रखी गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।